गुरुग्राम के एमजी रोड पर पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद रात के वक्त रईसजादों का हुड़दंग थमता नहीं दिख रहा। शुक्रवार रात भी रईसजादों की करतूत एक बार फिर देखने को मिली। इफको चौक से लेकर एमजी रोड तक ये हुड़दंग रात भर चला और पुलिस को इन पर काबू पाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। पहली वारदात में नशे में धुत युवक बार से निकलते हुए एक दूसरे पर हेलमेट और गैस का सिलेंडर लेकर वार करते नजर आए। पुलिस इन रईसजादों पर काबू कर आगे बढ़ती कि सहारा मॉल के सामने छेड़खानी का मामला देखने को मिला, जहां शराब के नशे में एक युवक ने युवती से छेड़खानी करने की कोशिश की, जिसका विरोध करते हुए युवती ने युवक की पिटाई कर दी। पुलिस छेड़खानी करने के मामले को शांत कर आगे बढ़ी ही थी कि सहारा मॉल के सामने चार पांच युवकों ने एक युवक की पिटाई कर दी। युवकों की पिटाई से युवक की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल पहुंचाना पड़ा। हम बाहर निकल रहे थे, टक्कर हुई हमारी, कोई भागते हुए आया हमारे ऊपर लड़ा। एक भाई ने पूछा क्यों ऐसा क्यों हो गया, उसने सीधे बोल दिया कि हमारे साथ, मतलब उसने कुछ अपना बताया कि ऐसा ऐसा है कि हमारे साथ हो गया, तो वो भागते हो गया। फिर वो चढ़ बैठा हमारे ऊपर चढ़ बैठा कि तुमने कैसे पूछ लिया। मेन बात ये हो गई कि तुमने कैसे पूछ लिया हमसे, उनकी थी कि तुम कैसे पूछ सकते हो। आप लोग अंदर बैठ के ड्रिंक कर रहे थे? हाँ, हम मतलब ड्रिंक कर रहे थे, हम नॉर्मल हैं, मैं वैसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बैठे हुए थे। गुरुग्राम के एमजी रोड पर हर शुक्रवार और शनिवार की रात होने वाली ये घटनाएं आम हो गई हैं। बढ़ती घटनाओं को लेकर यहां रात के वक्त पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में इजाफा कर दिया गया है, लेकिन रईसजादों पर पुलिस की तैनाती का फर्क नहीं पड़ता। रात के वक्त पब और बार से निकलने वाले लोग मारपीट और महिलाओं से छेड़खानी करते हैं और जमकर हुड़दंग मचाते हैं। टोटल न्यूज के लिए गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट।